उसने प्रपोज किया मुझे और उसने बोला कि wow. हाँ हम लोग शादी करते हैं डायरेक्ट. एंड आई वाज लाइक शादी क्या. अक्षरा सिंह हाल ही में आमिर खान से मिली. आमिर खान और अक्षरा सिंह की ये मुलाकात किस पर्पज से थी, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं. एक्चुअली आमिर खान ने कुछ गिने चुने लोगों को अपने एक सॉन्ग जो कि उनका लाल सिंह चड्ढा फिल्म से है वो रिलीज़ किया गया है. और उस सॉन्ग के तर्ज पर पहले प्यार का की जो फीलिंग होती है या प्यार में किसी का दिल टूट जाए इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उसके बाद किस तरह से आप कोप अप करते हैं इन सारे सिचुएशन से, इस पर था. और ऐसे में कई जाने माने सोशल मीडिया से रिलेटेड चेहरे इस प्लेटफॉर्म पे दिखे और यहाँ पर दिखी अक्षरा सिंह. अक्षरा सिंह ने अपने दो वाक्य को यहाँ बयां किया. एक जब वो स्कूल में थी, सेवेंथ में पढ़ रही थी और उनका एक क्रश हुआ था नाइन्थ के लड़के के साथ जिसने बाद में उनके घर शादी का रिश्ता भी भेजा. लड़का अक्षरा सिंह से शादी भी करना चाहता था और ये भी चाहता था कि शादी चाहे जैसे तैसे हो जाए, वो पेट्रोल पंप पे काम करके अक्षरा सिंह को खुश रखेगा. ये बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी थी. आगे लेकिन अक्षरा सिंह ने जो बयां किया अपना एक हॉरिबल एक दर्द पवन सिंह को लेकर, जी हाँ यहाँ पर पवन सिंह का नाम भले ही अक्षरा सिंह ने नहीं लिया लेकिन यहाँ अक्षरा सिंह ने ये कहा कि एक रिलेशन ऐसा भी था जहाँ पर उन्होंने बहुत ही हॉरिबल थिंग्स फेस की और अब उससे वो निकल चुकी हैं और अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए जी रही हैं, उनको प्राउड मोमेंट फील करा रही हैं. ये सारी चीज़ें अक्षरा सिंह ने आमिर खान के समक्ष रखी और आमिर खान ने भी अक्षरा सिंह के गर्ड्स को प्रेज़ किया यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर अक्षरा सिंह ने ये बताया कि पवन सिंह के साथ उनके रिलेशन के दो तीन महीने बहुत ही खूबसूरत थे. तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.